बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्शन स्टार अक्षय कुमार का आज हैप्पी बर्थडे है। हम सभी की तरफ से अक्षय कुमार को हैप्पी बर्थडे। लेकिन हमारे अक्की सर आज अपना बर्थडे नहीं मनाएंगे क्योंकि वो आज बहुत दुखी हैं। एक बहुत ही मुश्किल घड़ी का सामना इस वक्त वो कर रहे हैं। ज़रा भी उनका मन नहीं है। एक पोस्ट कर सिर्फ उन्होंने अपनी जो एक सिचुएशन होती है, जो एक उनकी भावना होती है, वो फैंस से शेयर की है। आपको बता दें, फ़ोटो शेयर की है, आप देख सकते हैं। एक प्यारी सी फ़ोटो उन्होंने अक्षय कुमार ने अपनी माँ के साथ शेयर की है। किस तरीके से वो अपनी माँ को प्यार से गले लगाए बैठे हुए हैं, उनकी माँ मुस्कुरा रही है, एक मुस्कान है उनकी माँ के चेहरे पर। वो फ़ोटो उन्होंने शेयर की है। एक भावुक मन से उन्होंने फ़ोटो के नीचे भावुक भरा कैप्शन भी लिखा है। उन्होंने अपने दिल की बात अपने फैन से शेयर की है। आपको बता दें, आज के दिन अक्षय कुमार अपना बर्थडे नहीं मनाएंगे क्योंकि वो अब इस अवस्था में नहीं है कि वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें। इस वक्त वो सिर्फ अपने फ़ैन से अपनी मन की व्यथा शेयर कर रहे हैं। आपको बता दें कि नीचे वो बहुत प्यारा सा कैप्शन भी डाला है। आइए बताते हैं उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, इस तरह से कभी पसंद नहीं किया होगा, लेकिन आई एम श्योर मॉम, वहीं से मुझे हैप्पी बर्थडे सॉन्ग आप गा रही होंगी मेरे लिए। आप में से प्रत्येक को आपकी संवेदना और शुभकामनाओं के लिए एक समान रूप से धन्यवाद। ज़िंदगी चलती रहती है। यानी इस कैप्शन में उन्होंने सभी को धन्यवाद लिखा है, जो भी अक्षय कुमार के फैंस आज उन्हें हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। उन सबको अक्षय कुमार ने एक समान धन्यवाद कहा है इस पोस्ट के ज़रिए। उन्होंने साथ ही एक छोटे से सेंटेंस में काफ़ी बड़ी बात कह दी है। उन्होंने लिखा है कि ज़िंदगी चलती रहेगी। यानी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी दौर से इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार ले, लेकिन वो रुकती नहीं है, बस चलती ही रहती है। चाहे दुख भरा समय हो, चाहे खुशी भरा समय हो, चाहे कोई भी घड़ी हो, इंसान का समय या फिर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी रुकता नहीं है, बस चलता ही रहता है। इसी के साथ उन्होंने ही इस छोटे से वाक्य में उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी है कि भले ही आज उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते चले जाएंगे और ऐसी ही उमदा फिल्म और अपनी अलग ही अदा के साथ फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री को अच्छी अच्छी मूवीज़ देते रहेंगे, काम करते रहेंगे। अपनी माँ के आशीर्वाद के साथ वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। छोटी सी बात में कितनी बड़ी बात अक्षय कुमार ने लिख दी है इस पोस्ट के नीचे। आपको बता दें, इस वक्त अक्षय कुमार अपने घर पर ही हैं, या फिर कुछ दिनों बाद वो अपनी माँ के सभी 13वीं वगैरह को मना के वो अपने शूट पर फिर से लौटेंगे। आपको बता दें, इस वक्त की हमारी खास रिपोर्ट अक्षय कुमार के हैप्पी बर्थडे जन्मदिन पर। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए।